गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए अब बनाते हैं टेस्टी वाला डोसा। तो उसके लिए मैंने ये वाला 2 चम्मच भर के जौ का आटा ले लिया, जौ मतलब बारले का आटा। और इसमें ये 1 चम्मच के आसपास या आधा चम्मच के आसपास ये है हमारा चावल का आटा। इसको हम मिक्स कर लेंगे इसके अंदर, ये लगभग इतना हुआ है। ये बाद हम इसमें घर का खट्टा दही मिक्स करेंगे 2 चम्मच के आसपास, ठीक है। अभी इनको मिक्स करके इसको साइड में रख देंगे ताकि हम बाकी जो अपना मिक्सचर है वो हम इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद मैंने ये इतना पीस लौकी का ले लिया, इसको काट के इसमें पीस लूँगी मिक्सी में, पीस के इसका पेस्ट है वो फिर हम अपने बैटर में ऐड करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये स्मूथ पेस्ट बन गया, हम इसको इसमें ऐड कर देंगे अब अपने बैटर में। ये सारा इसमें अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसको 15 मिनट के लिए साइड में कर देंगे। फिर बाद में इसकी कंसिस्टेंसी को ठीक करेंगे, मोटा पतला हमें जितना करना है ना, क्योंकि अभी ये हो सकता है थोड़ा बहुत पानी छोड़ेगा, तो इसलिए अभी हम इसको मिक्स करके 15 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। तो आफ्टर 15 मिनट्स इस तरीके का हो गया, ये हमारी इसकी कंसिस्टेंसी ना इतनी है। अगर आपको थोड़ा सा और पतला करना है तो 1 चम्मच के आसपास पानी डाल सकते हैं, नहीं तो मेरे को तो इतना ही सही लग रहा है। अभी देखती हूँ पानी अगर थोड़ा सा डालना होगा तो। और हम ये थोड़ा सा सेंधा नमक डालेंगे इसमें, इतना सा बस इसमें हम ये सेंधा नमक ऐड करेंगे। उसके बाद मैं इसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स भी ऐड कर दूँगी। अब इसमें 1-2 चम्मच पानी मिला के बस मैंने ये तवा गरम कर लिया, इस पर कोकोनट ऑयल लगा लिया, इस पे हम फैलाएंगे इसको। तो इस तरीके से हमने इसके ऊपर फैला दिया, इसमें 2 डोसे बन जाएंगे आराम से, इतनी कंसिस्टेंसी है इसकी। इसको बहुत ज़्यादा नहीं फैलाना पड़ा, डालते ही अपने आप ही फैल गया ये। तो फ्रेंड्स डोसा हमारा इधर सिक रहा है और इधर साथ ही मैं बनाने रही हूँ, अभी बन रही है चना दाल चटनी डोसे के साथ खाने के लिए, घर की बनी हुई चना दाल चटनी पीस लिया है। अब इसको तड़का लगाऊंगी ऊपर से, फिर ये बन जाएगी। तब तक हम इसको देखते हैं और इसको पलट लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसके साथ ही हमारा डोसा बनकर बिल्कुल तैयार है और साथ में हमने बना ली है चटनी भी, चना दाल चटनी भी। ये भी ना मैंने पहली बार ट्राई किया था, तो फिर मैंने कहा चलो एक बार अच्छी बनती है ना, फिर मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। तो अभी बहुत ही टेस्टी बनी है ये, बहुत ही हेल्दी बनी है। तो नेक्स्ट टाइम ना ये चटनी भी शेयर करूँगी मैं आपके साथ, बाकी आप बताना अगर आप देखना चाहती हो तो। ये जो चने की चटनी है ना, ये भी हम बनाएंगे, ठीक है। तो ये है, तो ये बन गया। अभी थोड़ा सा एक और बैटर रखा है, देखती हूँ एक और भी बनाना होगा तो ये भी बना लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा ये दूसरी तरफ से भी पक गया है, अब हम इसको प्लेट में मैंने निकाल ली है, अब हम इसमें इसको सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स इसके साथ ही तैयार है हमारा टेस्टी वाला हेल्दी डोसा, जो हमने बहुत ही हेल्दी वे में बनाया है और साथ में हमने इसके घर में ही बनाई है चने की चटनी और इसमें ऊपर से तड़का लगाया है सरसों के दाने और कड़ी पत्ते का। ये हम थोड़ी सी इसके साथ में सर्व करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये बहुत ही टेस्टी वाला हेल्दी ब्रेकफास्ट बनके बिल्कुल रेडी है।